बाइक का मैं आपको रिव्यू दूँ, इस बाइक का राइडर का भाई, जैसी ये बाइक दिखती है ना भाई, 1%। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप समझ तो बढ़िया हो गया अपने अपने घर पे। सबसे पहले भाई आप सबको सॉरी, क्योंकि भाई मैंने 15-20 दिन से एक भी व्लॉग नहीं डाला, ठीक है ना। मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे बिल्कुल भी। और ये चेक करो, पहले हमारी बाइक खड़ी है, ठीक है। और भाई वेदर वगैरह देख लो यार, एकदम बादल बादल से हो रखे हैं। सुबह बारिश भी आई थी, अभी टाइम हो रहा है भाई सुबह के 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं ना भाई वाइजर चेंज करवाने जा रहा हूँ इसका, देखो भाई कितने सारे, एक तो एक इंसेक्ट वगैरह लगे हैं, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ख़राब ही हो गया है वाइजर इसका। तो मैं आज इसका वाइजर चेंज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आज का ब्लॉग उसी पे रहने वाला है। और भाई एक और बात, मैं एजेंसी जाऊँगा, ठीक है ना। इसकी ना भाई जो ब्रेक है ना, वो भाई खड़े धूप में खड़े खड़े ना अपने आप भाई टाइट हो जाती है, बिल्कुल ही टाइट हो जाती है, ठीक है। फिर मेरे को प्रेशर कम करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम दे रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, मैं स्टंट पॉइंट पे आ रखा था, है ना। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने राइडर ग्रुप छोड़ ही दिया है, अच्छे बुरी चीज़ मेरे को ये लगी। देखो भाई किसी ने यार मेरा नाम उतार दिया यहाँ से, VL रह गया सर, OGS उतार दिया किसी ने भाई, देख लो भाई कितने गलत बंदे हैं, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, तो अभी चलते हैं सबसे पहले वहाँ पे वाइजर वगैरह चेंज करवाते हैं, ठीक है ना। महीना ही हो गया मेरे को एक ही व्लॉग नहीं डाला मैंने, एक तो मैं बिजी चल रहा था, ऊपर से थोड़ा ना मैं बीमार हो गया था भाई, मेरे को फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। 1 वीक तक मेरे को फीवर रहा, उसके बाद मेरा भाई मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का, थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गया था एक तो मैं। तो भाई आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है भाई, वो मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले चलते हैं, इसका वाइजर वगैरह चेंज करवाते हैं और देखते हैं भाई उसके बाद क्या सीन बनता है। अगर वॉइस वगैरह मेरी सही आ रही हो बस भाई, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, है ना। और भाई अपना यार प्यार दिखाते रहो यार थोड़ा सा और, ठीक है। व्यूज़ वगैरह बहुत कम आ रहे हैं यार मेरे को। हैप्पी होली, मैं भूल गया था भाई, आज होली है, सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज भाई बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रहा हूँ ना मैं, तो भाई मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं, ठीक है ना। आदत सी छूट सी गई है और मैं डीमोटिवेट भी हो गया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। जब से मैंने व्लॉग नहीं डाला उसके बाद मैं डीमोटिवेट हो गया, क्योंकि बहुत बंदे होते हैं यार डीमोटिवेट करने वाले बीच में, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा भाई तुम्हारा भाई परेशान सा भी हो गया था। व्लॉग बनाने का एक तो मन भी नहीं कर रहा था मेरा यार, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया था बंदों ने यार, बोल दे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, रहने दे कुछ और कर ले। तो भाई यार दिमाग ख़राब हो गया था मेरा यार उससे, पर अब कोई बात नहीं भाई, आपका भाई फिर से भाई मोटिवेट हो चुका है। अब भाई फिर से भाई व्लॉग आएंगे तगड़े तगड़े। जब भाई तुम्हारा भाई हेलमेट पहन लेता है ना और बाइक पे आ जाता है, फुल एनर्जी आ जाती है एकदम से मेरे में। इस बाइक का मैं आपको रिव्यू दूँ, इस बाइक का राइडर का भाई, जैसी ये बाइक दिखती है ना भाई, 1% भी बाइक ऐसी नहीं है यार। ऐसी बाइक भाई मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी बेकार बाइक है। माना कि भाई इसका पिकअप सही है, ठीक है, दूसरी बाइकों से जो भी 125cc की हैं उनसे इसका पिकअप वगैरह सही है, ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी सही है। पर भाई ऐसी बाइक इसकी ना तो भाई ब्रेकिंग है सही से, ठीक है, इसका जो शोकर है ना बैक का, वो ही भाई बहुत वीक है। एक बंदा पीछे बैठ जाता है ना तो भाई पूरा दब जाता है, जबकि भाई मैंने इसको अभी ख़रीदे हुए 3 से 4 महीने हुए हैं मेरे को इसको ख़रीदे हुए, है ना। और भाई मेरे को 4 महीने में इतना इसका एक्सपीरियंस होगा ना कि भाई ये बाइक एकदम बेकार है, तो भाई भूल कर भी इस बाइक को मत लेना यार, किसी और बाइक की तरफ चले जाना, पर ये बाइक मत लेना यार, बेकार बाइक है भाई एकदम। ये एक तो भाई इसके गियर वगैरह फंस जाते हैं, ठीक है, गियर इसके गियर में प्रॉब्लम आती है, इसकी ब्रेक में प्रॉब्लम आती है ना। मतलब जो भी नॉर्मल बंदा है ना वो इसको ख़रीद सकता है, ठीक है, जिसको मतलब आने जाने के लिए चाहिए बस। पर जो भी राइडर बंदा है ना, जिसको राइड वगैरह करनी है या ब्लॉग्स वगैरह करनी है, तो भाई वो बाइक मत लेना ये, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से भाई बेकार बाइक है ये बिल्कुल ही। इसकी जगह ना भाई आप 10,000 और डाल के यामा की SD ले लेना, वो इससे भाई बहुत तगड़ी है। और भाई तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी एक नई बाइक लेने वाला है, सीधा ला कर ही बताऊँगा, जिस दिन डिलीवरी लूँगा ना उसी दिन बताऊँगा मैं आपको। और संडे भी है, वाइजर तो गया भाई भाड़ में, मतलब मिलेगा नहीं यार, किसी और शॉप से देखना पड़ेगा मेरे को। एक और वाइजर मिल जाऊ भाई वेगा का, इधर लेक गिल चौक भाई, वो शॉप बंद है। हाँ जी, दिमाग खराब हो गया यार मेरा, गुस्सा आ रहा है मेरे को भी बहुत ज़्यादा।
अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को यार, एक तो इतनी दूर आया भी मैं यार, 5-6 किलोमीटर, और दिया भी नहीं भाई सर यार, क्या बंदे हैं यार ये, मूड ख़राब करके रख दिया भाई इसने पूरा मेरा। भाई स्टैंड लग गया, स्टैंड लग गया तेरा भाई, एक बंदे की हेल्प कर दी यार मेरे को, अभी अच्छा लग रहा है यार। ऐसे ही गिर जाता यार, लोगों की हेल्प करके ना मेरे को मज़ा आता है यार। थोड़ी अंदर से भी खुशी मिलती है यार भाई, सामने वाला बंदा भी खुश हो गया फिर रिस्पॉन्स करता है हमारा, तो भाई मज़ा आता है भाई पूरा। तो अभी यहाँ मंगाते हैं ठीक है, अभी चेक करना भाई परफॉर्मेंस इसकी कहाँ जाती है ठीक है ना। तो चेक करो भाई, वाइब्रेट होने लगी ये, आज पता चल जाए भाई मेरे को, क्या संडे आज, नहीं तो भाई जॉब पे निकल जाता है भाई पूरा हफ्ता मेरा, पूरा का पूरा हफ्ता मेरा जॉब पे निकल जाता है। तो गाइज आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरे को भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को पता है कि भाई आज के ब्लॉग में कुछ ही इंटरेस्टिंग नहीं था ठीक है ना, पर भाई फिर भी आपके भाई को यार बता देना कि आज का ब्लॉग भाई कैसा लगा है ठीक है। और भाई नेक्स्ट ब्लॉग भाई मैं देख रहा हूँ किसी एक का बंदे के साथ बनाऊँगा, ये वाला ब्लॉग मेरे को बता देना कमेंट करके ज़रूर कि कैसा लगा है ब्लॉग आज का ठीक है ना, क्योंकि भाई मैंने बहुत दिनों के बाद ट्राई किया था आज का ब्लॉग बनाने के लिए, और मेरे से कुछ ऐसा अलग सा कुछ भाई बोला भी नहीं गया कि कुछ यूनिक हो थोड़ा ब्लॉग में है ना, तो बता देना मेरे को यार जरूर कमेंट करके ठीक है। ओके भाई बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं ठीक है ना, खुश रहो भाई सभी, चलो भाई और भाई आपके भाई को भी खुश कर दो थोड़ा सा यार, सपोर्ट दिखा दो यार थोड़ी सी और ज़्यादा, जल्दी से जल्दी बन के करवा दो, मेरे बन के होने वाले हैं मेरे ठीक है, ज़्यादा नहीं मेरे कम से कम 200 के करीब सब्सक्राइबर रह गए ठीक है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो, और आपका भाई केक कट करेगा फिर।